सोलन में विजिलेंस विभाग लगातार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्य कर रहा है। जैसे ही विभाग को भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचना या शिकायत मिलती है, वे तुरंत जाल बिछाते हैं और दोषी व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। ये जानकारी विजिलेंस विभाग के DSP संतोष शर्मा ने मीडिया को दी। संतोष शर्मा ने बताया कि इस साल में अब तक उन्होंने 35 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनमें से 5 मामलों पर विभाग कार्रवाई अमल में ला चुका है। अन्य शिकायतों पर भी जांच चल रही है। कार्रवाई करने से पहले आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई अमल में लाता है। देखिए, विजिलेंस विभाग का जो सेटअप है वो बड़ा यूनिक सेटअप है और इसमें डिफरेंट इंक्वायरीज जो रहती है जब वो फाइनलाइज होती है उसके बाद ही केस रजिस्टर होते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास अभी तक लगभग 35 के करीब इंक्वायरीज हैं और 5 केस रजिस्टर हुए हैं इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी अंडर इंक्वायरी और अंडर इन्वेस्टिगेशन चले हुए हैं। किस तरह के केसेस रही? विजिलेंस में पब्लिक करप्शन के केसेस रहते हैं और जिसमें पब्लिक सर्वेंट का रोल रहता है। दूसरे जैसे जो विक्टिम आदमी होता है उसका जो है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो प्रताड़ना दी जाती है उसका काम डिले रहता है, या टेम्परिंग वगैरह होती है, फ्रॉड केसेस जो होते हैं, उस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है विजिलेंस में।